9 साल कथे तब से कर रहे हैं, मतलब आज हमारा उम्र हो गया कोई 21 साल। यह मेरा दुकान हमारे फादर स्टार्ट किए थे सन 1955 में। अच्छा, 1955 में जी, तब से ये चल रहा है। फिर मेरे फादर कर रहे थे, अब मैं कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ फिर से मूर्ति मार्केट का नज़ारा। और यहाँ पे आज आपको ये देखने को मिलेगा कि मूर्तियाँ चुनार में कैसे बनती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति और चीनी मिट्टी की मूर्तियाँ, और गणेश जी, कार्तिकेय या लक्ष्मी जी का जो कि आप दीपावली पे पूजा करने के लिए लेकर जाते हैं, वो मूर्तियाँ आप कहाँ से खरीद सकते हैं, थोक में एवं फुटकर में। और चलते हैं, फिर आपको दिखाते हूँ कि मूर्तियाँ, सबसे पहले मूर्ति कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद मार्केट आपको दिखाएंगे कि कितने प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ पे बन के पूरे भारत में सप्लाई होती है, क्योंकि ये चुनार का मार्केट पूरे भारत में फेमस है। यहाँ से पूरे भारत में मूर्तियाँ जाती है बन के, जो कि दीपावली पर सबसे ज़्यादा इसका सेल होता है। ये सामने से रोड आया है, जो ये चुनार जंक्शन से आया है। अगर आप बाहर के हैं तो बाहर में आप कहीं से भी देश के किसी भी कोने से अगर आप चलेंगे, ट्रेन पकड़कर, जहाज़ पकड़कर, बस पकड़कर, तो आप मिर्ज़ापुर ज़िला में आएंगे। वहां से जो है चुनार स्टेशन, अगर ट्रेन से हैं तो चुनार स्टेशन, बस से हैं तो चुनार बस स्टैंड, या फिर वाराणसी स्टेशन आते हैं तो वाराणसी स्टेशन से फिर आप चुनार बस से आ सकते हैं या किसी अन्य साधन से। तो ये चुनार स्टेशन से ये रास्ता आया है, और यही रास्ता देख सकते हैं सीधा जो है चला गया है किला की तरफ। ये चुनार किला, और इधर गंगा नदी पड़ता है, गंगा पार करके आप सीधा वाराणसी के लिए जा सकते हैं। तो चलिए, फ़िलहाल मैं आपको मूर्ति यहाँ पे जो बनाया जाता है उस चीज़ का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, एक चुनार का एक दुकान है जो कि बहुत पुराना दुकान है। यहाँ पे देखिए मूर्ति बनाई जा रही है और उसकी पेंटिंग की जा रही है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो कि ढांचे में बनाई जाने वाली मूर्तियाँ हैं। और ये सामने देखिए मशीन लगा है जिससे पेंटिंग ये सब किया जाता है। इधर देखिए ढांचे से तैयार हुआ मूर्ति जो है कि यहाँ पे रख दिया गया है, और अभी इसको पैकिंग करके फिर पूरे भारत में, पूरे इंडिया में यहाँ से मूर्तियाँ सप्लाई की जाती है। और इधर देख सकते हैं, ये मूर्ति बनाने के बाद इसमें पेपर में लपेटकर तैयार किया जा रहा है, और फिर यहाँ से दूर दूर तक के कस्टमर जो भी आते हैं यहाँ पे सभी मूर्तियाँ सप्लाई होती है बाहर में। ये देख सकते हैं दीपावली के लिए खास करके मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, जो कि गणेश और लक्ष्मी जी का है, और सभी मूर्तियाँ दीपावली के टाइम पे, दीपावली वाले त्यौहार पे सब सप्लाई हो जाता है। और इसी वजह से यहाँ पे मार्केट भी लगा दिया गया है, देख सकते हैं। अभी आगे चलकर और मार्केट भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी मैं चल रहा हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर कितना बड़ा मार्केट लगा हुआ है। देख सकते हैं कुछ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो है इधर लगी हुई हैं दुकानें, क्योंकि त्यौहार का टाइम है और इसी नवंबर दिसंबर में ज़्यादा करके मूर्तियों की सप्लाई होती है। ये देख सकते हैं एक बहुत बड़ी दुकान है, हीरा पट्टी वर्क, स्टेशन रोड चुनार मिर्ज़ापुर। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे बर्तन है गणेश जी, लक्ष्मी जी का है, और अन्य जितने भी भगवान हैं उनकी भी मूर्तियाँ, और घर में रसोइयों में यूज़ करने वाले बच्चों के लिए खिलौने, बहुत तमाम तरह की मूर्तियाँ देखिए यहाँ पे लगा दिया गया है। ये सब देख सकते हैं, ये सब बच्चों के लिए जैसे देखिए बनाया गया है खेलने के लिए, या घर में सजा सकते हैं आप इसको। ये सब है देखिए कटोरियाँ है, और ऐसे करके तमाम बड़ी बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पे बनाया गया है। और ये देख सकते हैं कि दुर्गा जी का जो कि नवरात्रि चल रहा है, ये भी मूर्तियाँ बिक जाएंगे, दुर्गा जी के नवरात्रि के लिए लगाया गया है।
दीपावली के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे दिया भी एक से एक डिजाइन का दिया बनाया गया है। एक हाथ में लेकर दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दीप बनाया गया है। ये दीपावली का आप यूज कर सकते हैं इसको दिया जलाने के लिए। सामने दुकानदार जो दुकान के मालिक हैं वो बैठे हुए हैं। काफ़ी सुंदर इनका दुकान है। ये सब देखिए दीप बनाया गया है स्पेशल दीपावली के लिए। अभी दीपावली का त्यौहार पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इसके लिए स्पेशल यहाँ से मूर्तियाँ जाती हैं। कुछ बड़ी मूर्तियाँ भी हैं। सामने देख सकते हैं चीनी मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस के अलावा और भी मूर्तियां रखी हैं, जैसे पीतल की मूर्तियां हैं बहुत सुंदर सुंदर। वो सामने का दुकान था, ये देखिए अंदर का दुकान जो कि काफ़ी भरा हुआ है। यहाँ पे इधर गुलदस्ते का भी व्यवस्था किया गया, देखिए फूल वगैरह है सब आर्टिफिशियल है और ये अपने घरों में सजाने के लिए यहाँ से लोग ले जाते हैं। इधर कांच का भी कुछ बर्तन बनाया गया है, ये भी खूबसूरत देखने में लग रहा है। देख सकते हैं ये घरों में आपकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये कांच का गिलास जो भी यूज करना चाहता है, ये कांच का गिलास भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे लगाए गए हैं। इधर भी देख सकते हैं दीपावली के स्पेशल के लिए दीपावली में ये दिया जो यूज किया जाता है ये अच्छा खासा यहाँ पे बनाकर रखा गया है और इसका रेट प्राइस भी डाल दिए गए हैं। देख सकते हैं ये जो क्या नाम है इसका, स्टोन है, ये सजावट के लिए बनाया गया है। इधर भी देख सकते हैं घरों में रखने के लिए वो अलग अलग तरीके का सब मूर्तियाँ बनाया गया है, सब बर्तन है जो कि घर में आप अपना यूज कर सकते हैं। देखिए खाने पीने से संबंधित जो कि बर्तन, देखिए प्लेट गिलास हर चीज़ यहाँ पर लगाया गया है, सब चीनी मिट्टी से बना हुआ ये है। इधर की मूर्तियाँ सभी चीनी मिट्टी से बनाया गया है। ये देख सकते हैं काफ़ी इनका दुकान बहुत बड़ा दुकान है, अभी मैं एकदम चौथे नंबर पे आ गया हूँ।
इधर सब कुछ रेट लिस्ट वगैरह सब कुछ नंबर भी डाला गया है। देखिए मूर्तियाँ, अच्छी अच्छी मूर्तियाँ यहाँ पे लगाया गया है। और इस सामने देख सकते हैं ये मार्बल की बनी हुई मूर्तियां हैं, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है मूर्ति। ये मार्बल की, ये थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको क्योंकि मार्बल की है। ये देखिए शिव जी का काफ़ी अच्छा सुंदर शिवलिंग बनाया गया है, जो कि प्योर मार्बल का सब बनाया, इधर टोटल मार्बल का ही बनाया गया है। क्या बात है, देखिए एक दुकान और भी है इसी के अंदर, मतलब इनका पूरा खजाना है, पूरा बहुत बड़ा दुकान है। हर जगह अलग अलग तरीका है। देखिए भगवान बुद्ध की, देखिए इतनी बड़ी प्रतिमा बना कर रखी गई है। ये पत्थर की है मूर्ति, बहुत अच्छा डिज़ाइन दिया गया है। ये देख सकते हैं लॉर्ड बुद्धा, ये भी मार्बल से बनाया गया मूर्ति है। तो यहाँ पे आप मार्बल से संबंधित, चीनी मिट्टी से संबंधित और प्लास्टर ऑफ पेरिस से संबंधित, यानी कि कांच से संबंधित जितने भी वस्तुएं हैं, सभी अलग अलग प्रकार के चीज़ों से बनाया गया है। यहाँ पत्थर की भी मूर्ति, और ये सब देखिए चीनी मिट्टी के हैं, जो कि यहाँ के सबसे फेमस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और चीनी मिट्टी की। ये सभी चीनी मिट्टी के हैं बर्तन। बहुत बड़ी दुकान है इनका। इधर बड़े बड़े देखिए मुखौटा वाला जो कि बनाया गया है, घरों में ले जा सकते हैं अपना सजाने के लिए, भगवान बुद्ध की है। इधर बड़े बड़े जार देखिए लगाए गए हैं, जो कि इसमें कुछ अपना सामान यूज करने के लिए लोग ले जाते हैं। शॉप के बाद देख सकते हैं ये कारखाना है, यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, काफ़ी मशीनें वगैरह सब कुछ यहाँ पे पैकिंग वगैरह होता है, देख सकते हैं। ये देखिए इनका कारखाना है, जो कि यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, तैयार किया जाता है, और छोटी से लेकर बड़ी तक मूर्तियां सभी यहां पर रेडी करके और फिर उसमें शोरूम में लगाया जाता है। देख सकते हैं बहुत बड़ा कारखाना भी है, और इधर सब लोग बैठे हुए हैं अपना तैयार कर रहे हैं मूर्ति भी। ये लोग कारीगर लोग हैं, जो कि मूर्ति बना रहे हैं, पेंटिंग भी कर रहे हैं। इधर देख सकते हैं पत्थर की मूर्ति, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, चीनी मिट्टी की, हर प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ पर बनती हैं। और ये देखिए मार्बल की है, मार्बल की भी है। तो आप जिस प्रकार की मूर्तियाँ चाहते हैं इस दुकान से ले सकते हैं, हर प्रकार की यहाँ पे मूर्ति आपको मिल जाएंगी। ये देखिए इनका गोदाम है, इसमें बहुत सारे मूर्तियाँ बनाकर रखा गया है, बहुत बड़ा गोदाम है। इधर लेडीज़ और जेंट्स दोनों लोग मिलकर ये देखिए अपना कलाकारी का काम कर रहे हैं। ये लोग अच्छे कलाकार हैं, देखिए पेंटिंग करते हुए ये भाई साहब हैं। कितने साल से आप कर रहे हैं पेंटिंग? हम जब करीब 9 साल तब से कर रहे हैं, मतलब आज हमारा उम्र हो गया 21 साल।
तो ये भाई साहब देख सकते हैं लगभग 9 साल से यहाँ पे ये पेंटिंग का काम कर रहे हैं और अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं। ये माता जी भी हैं, देखिए अपना पेंटिंग का काम बढ़िया कर रही हैं। तो सर क्या आप बता सकते हैं कि आपकी दुकानें जो है कितने वर्षों से चल रहा है ये दुकान? ये मेरा दुकान हमारे फादर स्टार्ट किए थे सन 1955 में। अच्छा 1955 में तब से ये चल रहा है, फिर मेरे फादर कर रहे थे, अब मैं कर रहा हूँ जी। तो इतना बड़ा दुकान आपको बनाने में तो काफ़ी मेहनत लगा होगा, काफ़ी परिश्रम किए हैं आप सभी लोग मिलके। जी जी जी। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ का मूर्तियाँ मिल सकती है या बर्तने मिल सकते हैं? यहाँ हर भगवान की मूर्तियाँ मिलती हैं और कुछ आप आर्डर पे भी मूर्तियाँ वगैरह बनवा सकते हैं, जैसे कि कुछ अपने अपना फ़ोटो या अपना मूर्ति भी बनवा सकते हैं आप। अच्छा अच्छा। तो जो आप ऑर्डर देंगे उस तरीके का भी काम यहाँ होता है। और बर्तन में जो है कप प्लेट डिनर सेट लेमन सेट टी सेट गमला फ्लावर पॉट पिकल जार तमाम इस तरीके से जो है। अच्छा सबसे ज़्यादा कौन सा धातु यहाँ पे फेमस है चुनार में? चुनार में रेड क्ले का काम स्टार्ट तो रेड क्ले से हुआ था। मुगल काल में रेड क्ले पॉटरी जो है पूरे भारतवर्ष में चुनार में ही रेड क्ले पे ही जो है ग्लेज करने का काम सिर्फ चुनार में होता था। अच्छा। और ग्ले उसके बाद सिरेमिक आया, सिरेमिक के बाद इस समय मूर्तियाँ भी बनना शुरू हुई हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की टेराकोटा की। तो तमाम इस तरीके से हमेशा समय के हिसाब से चेंजिंग आती गई इस बिजनेस को। यहाँ गमला वगैरह भी बहुत तरीके का बनता है, बोनसाई गमला वगैरह भी बन रहा है। आपकी दुकान की मूर्तियाँ कितने दूर तक पूरे भारत में जाती हैं? वैसे तो जहाँ से लोग आ जाते हैं वहाँ जा रही है, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर मध्य प्रदेश बिहार झारखंड और कुछ अपना उत्तर प्रदेश इस तरीके से कई जगह पर। मतलब यहाँ से डायरेक्टली जो है कि पूरे भारत में लगभग सभी जगहों पर सप्लाई होता है। जी जी जी। चलिए सर जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गाइस आज के लिए बस इतना ही। और मूर्ति मार्केट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।